महाराज जी, ये बताइए कि आज से श्रावण की शुरुआत हो रही है और किस तरह से जो है मंदिर में तैयारियां की गई हैं, कितना प्राचीन पौराणिक मंदिर है और इस बार श्रावण में कितने सोमवार पड़ रहे हैं और क्या महत्व है इसका? आप जहाँ इस समय हैं, यह श्री मनकामेश्वर महादेव मंदिर है। यह अति प्राचीन स्थान है। पुराणों में इसका वर्णन कामेश्वर तीर्थ के रूप में पाया जाता है। भगवान राम जब त्रेता में संगम क्षेत्र में आए थे, उन्होंने भी सीता जी सहित यहाँ भगवान का पूजन अर्चन किया था। तभी से भगवान यहाँ विराजमान हैं। मनोकामेश्वर जैसा इनका नाम है, जो भी श्रद्धालु सच्ची श्रद्धा से इनका पूजन जलाभिषेक करता है, जो भी उसकी मनोकामना होती है वो पूर्ण होती है। अभी सावन का आज प्रथम सोमवार है। आप खुद देख रहे हैं कि लाखों श्रद्धालु मंदिर के बाहर कतारबद्ध मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं और दूसरी रास्ते से बाहर निकल रहे हैं। इस बार सावन में दुर्लभ संयोग है कि सावन में ही 5 सोमवार पड़ रहे हैं। ऐसा बहुत वर्षों बाद ये योग मिला है, क्योंकि 5 सोमवार का विधान बताया गया है व्रत का। और एक जो सोमवार होता था, हर बार 4 सोमवार तो सावन में आते थे, पर एक सोमवार या तो लोग आगे का ले लेते थे या पीछे का सावन कर लेते थे। इस बार 5ों सोमवार सावन में ही पड़ रहे हैं। ये दुर्लभ संयोग है। निश्चित रूप से जो भी मनोकामना होगी इस सावन मास में, जो पूजन अर्चन करेंगे लोग, उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। भगवान भोलेनाथ को धूप चढ़ते सभी सामग्री लेके आए हैं भोलेनाथ को चढ़ाने के लिए। भोलेनाथ के पास आने से सारी मुरादें पूरी होती है, वो सबको समझते हैं, हर सुख दुख भगवान भोलेनाथ ही समझते हैं। यहाँ की मान्यता मतलब यहाँ आज 16-17 साल से आ रहे हैं, यहाँ आने से पूरा कामना पूरी होती है। नाम बता दो। संध्या के सम्मान में, संध्या के मांगी तो मैंने बहुत सी चीजें हैं। भगवान से सुना है कि यहाँ पे मंगलेश्वर में यहाँ चीजें पूरी भी होती है और बहुत सी लोगों को पूरी हुई, तो मैं भी आया यहाँ पे दर्शन करने। आज सावन का पहला सोमवार है तो बाबा पूरी करा दे तो अच्छी बात है, और पूरी होगी भी मुझे पता है। क्या मांगा? मैंने अपने करियर के लिए मांगा है चीजें और बाकी घर वालों के लिए मांगा है। मेरा नाम ऋतिक श्रीवास्तव है और मैं इधर सुजान।